ओम महागणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौधरी आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज फिर मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊं, शीर्षक बताऊं, उससे पूर्व निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए चंद्र राशि पर आधारित है मेरा प्रोग्राम, चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में कोई नहीं मालूम भाई, तो मैं नाम राशि में देख सकता हूं। नाम राशि से भी कुछ ना कुछ 20-25% सही होगा, लेकिन आपको अपने बारे में यथार्थ जानना है रियलिटी में, तो ये गोचर का है, ये एक राशि वाले करोड़ों आदमी का इच्छा होगा। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, आपको अपना सत्य जानना है तो अपना बर्थ चार्ट जरूर दिखाइए। हो सकता है कोई ग्रह यहाँ अच्छा बैठा हो, बर्थ चार्ट में उल्टा हो, तो आपका फल सही नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे साहब कोरा बकवास है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आप कोई कमेंट देने से पहले अपना ये देख लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में क्या है। आप कह रहे हैं मेरा तो सही नहीं है। हाँ सही नहीं है, पर करोड़ों और लोगों का सही होगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली अच्छी है, आपकी जन्म कुंडली कोई खराबी हो सकती है। इसलिए जन्म कुंडली को दिखाना जरूरी है। ये गोचर का तो एक राशि के करोड़ों आदमी का एक से होता है। अब देखिए मैं आज क्या बताने वाला हूँ, जो मैं बताऊंगा देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शनि महाराज के बारे में। देखिए शनि देव जो दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और अगर आप भ्रष्ट आचरण करते हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, गरीबों को सताते हैं, झूठ बोलते हैं, परिश्रम नहीं करते, भ्रष्टाचारी हैं, तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, शनि इतने अच्छे भाव में बैठे हो, आपको दंड मिलेगा, और दंड मिलेगा राहु के थ्रू, क्यों राहु शनि के कोतवाल हैं। शनि ऑर्डर करते हैं और उसका अमल लाते हैं, अमल में लाते हैं कोतवाल साहब राहु। तो आपको देखिए अगर आप चाहते हैं वागी में शनि से लाभ मिले, परिश्रम करिए, सत्य बोलिए, ईमानदारी से भ्रष्ट आचरण मत कीजिए, और अगर आप भ्रष्ट आचरण नहीं करेंगे, गरीबों को उनका जो जू है वो देंगे, गरीबों को सताएंगे नहीं, मेहनत खूब करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे भाई, तो शनि से आशीर्वाद मिलेगा, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, राहु से भी मिलेगा। तो राहु और शनि को दोनों को खुश करने का सबसे आसान, देखिए पीपल का पेड़ और मंदिर जाना है सब छोड़िए, सबसे आसान तरीका है परिश्रम करना, मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना, बस ये आप करते रहेंगे तो राहु शनि दोनों ही आपको अच्छा लाभ देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि शनि किसी के शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं, बशर्ते आप अच्छा ईमानदारी से काम करें, भ्रष्ट आचरण न करें। दिखाने को तो बड़ा बड़ा कहता मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, और अंदर अंदर कोई और चल रहा हूँ, वो सब ठीक नहीं है। तो देखिए अभी मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है इस समय, देखिए वही मैं बताता हूँ मित्रों। देखिए शनि महाराज जो है अभी कुंभ राशि में उच्च के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, अभी बकरी अवस्था में भी है, 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो ये सब राशियां जो भी फल दे रही हैं, जिनको अच्छा मिल रहा है वो सब मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब जो है मार्गी होने के बाद फिर देखिए जब तेज तेज चलेंगे तो उनको थोड़ा सब तेज तेज फल देंगे उन्हीं राशियों को, पर मैं तो चर्चा कर रहा हूँ 29 मार्च 2025 के बाद की। 29 मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे भाई, तो मीन राशि में जाएंगे जहाँ राहु मिलेंगे उनको, कुछ टाइम राहु का शनि का साथ रहेगा, फिर राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बकरी चलते हैं और शनि वहीं रह जाएंगे। शनि देखिए 2.5 साल तक रहते हैं एक जगह, तो ये 30 साल बाद शनि अपने कुंभ राशि से छोड़ करके मीन राशि में आ रहे हैं। देखिए मीन राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति का आज्ञा, बृहस्पति गुरुदेव है, बृहस्पति की आज्ञा शनि मानते हैं और बृहस्पति की राशियों को भी अच्छा फल देते हैं,
बृहस्पति की राशि में बैठ कर के जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है अच्छी देखिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो मीन राशि में आ जाएंगे तो देखिए कुछ राशियों की तो 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की 7.5 आगे अगले चरण में आ जाएगी, कुछ की 7.5 प्रथम चरण में शुरू हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया शुरू हो जाएगी, ये सब होगा। इस कारण से कुछ राशियों को अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कुछ राशियों को थोड़ा कम मिलेगा। तो अब देखिए शनि महाराज का अगला 2.5 साल अभी से तैयार हो जाइए आप, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो आपके अगले 2.5 साल अच्छे होंगे। तो अगले 2.5 साल मीन्स 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक, 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। तो मैं तो देखिए सिंह राशि की चर्चा करता हूँ। मैं देखिए सिंह राशि के लिए, वैसे सिंह राशि के अब तक जो है 11वें लाभ भाव में थे, तो सिंह राशि के देखिए लाभ भाव में थे कौन, शनि देव 11वें भाव में। अब सिंह राशि के लिए देखिए कहाँ चले जाएंगे, सॉरी सिंह राशि नहीं, सिंह राशि के लिए देखिए अभी सप्तम भाव में थे, सॉरी सप्तम भाव में शस्त्र महापुरुष राजयोग बिना के बैठे हुए थे। शस्त्र महापुरुष राजयोग का मतलब अच्छा लाभ मिल रहा था, लेकिन सातवें भाव में बैठे हुए थे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तलखी आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट आ रही थी, व्यापार में थोड़ा नुकसान हो रहा था, पार्टनर्स अच्छा सहयोग नहीं कर रहे थे, तो अच्छा धन भी नहीं आ रहा था। अब शनि महाराज सप्तम से निकल करके देखिए अष्टम में आ जाएंगे। देखिए अष्टम भाव जो 6, 8, 12 जो भाव होते हैं, 3, 6, 8, 12 ये सब जो नेगेटिव वाले होते हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक, यानी जो ऐसे राक्षस ग्रह कहिए इनको, ऐसे ग्रह उनके लिए जो है ये भाव जो है 3, 6, 8, 12 जो है बहुत अच्छा फल देते हैं। यह अच्छे घर ग्रह बैठ करके अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन हाँ खराब ग्रह जो बहुत हार्ड हैं, जो दुष्ट हैं, क्रोधी हैं, खराब राक्षस वृत्ति के हैं, ऐसे ग्रह जिनमें शनि भी राक्षस हैं, राहु भी शनि, राहु है, शनि है, केतु है, और देखिए शुक्र भी हैं, और देखिए चंद्र को बुध भी है, कि बुध दोनों श्रेणी में आते हैं देवताओं में भी और राक्षस में। तो ऐसे ग्रह वो 8वें भाव में 6वें भाव में 3वें 12वें भाव में आकर के अच्छा फल देते हैं। तो शनि जब 7वें से 8वें में आ गए और 8वें में भी राहु भी हैं, तो यहाँ से देखिए अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे आपको, अचानक से कहीं से धन मिल जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। तो सिंह राशि वालों को मैं समझता हूँ अचानक से धन का लाभ, पैतृक संपत्ति, पैतृक जायदाद, मकान, दुकान जो भी है, प्रॉपर्टी सब आपके उसमें आ जाएगी कंट्रोल में। और देखिए आप धन भाव को देखेंगे शनि यहाँ से, तो अचानक धन भी आएगा और धन भाव से भी धन आएगा। शनि की देखिए सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में बैठ करके तृतीय दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में। तो भाई 10वां भाव जॉब का भाव, नौकरी का भाव, तो अब तक नौकरी में काम में दिक्कत आ रही थी, तो अब 10वें भाव में तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठे हुए निगेटिव भाव में। इसलिए मैं तो समझता हूँ शनि की तीसरी दृष्टि आपको अच्छा काम, सरकार से काम, कोई ठेके वाला काम, कोई नौकरी वाला काम जो आपको नहीं मिल रहा था अब तक, रुकावटें आ रही थी, वो सब मिलेगा। तो जॉब के क्षेत्र में तीसरी दृष्टि पड़ रही शनि की, तो शनि जो है आपको यहाँ लाभ देंगे। और देखिए और अगली सप्तम दृष्टि पड़ रही है धन भाव में, तो अचानक धन और धन तो आएगा ही आएगा। तो शनि महाराज अब सिंह राशि के लिए अच्छा फल देने वाले हो गए। अब तक शनि सप्तम भाव में बैठ करके अच्छा फल नहीं दे रहे थे, हालांकि शस्त्र महापुरुष राजयोग बनना था, लेकिन भाव में जो है दाम्पत्य जीवन में और व्यापार में और देखिए लग्न पर दृष्टि पड़ रही थी, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह रहा था, आए दिन दुर्घटनाएं, आए दिन बीमारियां तंग कर रही थी। अब जो है अष्टम में जब आ गए तो शरीर पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, बल्कि धन भाव पर और 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी।
तो संतान भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो संतान को भी तरक्की मिलेगी, संतान को भी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां भी कुछ ट्रेनिंग चल रही है, संतान को लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि शनि महाराज अष्टम में बैठ करके अच्छा फल देंगे। और देखिए तुला राशि के लिए, तुला राशि के, देखिए तुला राशि तो शनि की अपनी प्रिय राशि है और शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि को शनि कैसे नुकसान कर सकते हैं, बहुत प्रिय राशि है। तो तुला राशि के लिए छठे भाव में बैठे, तो जैसे आठवें बैठे शनि के लिए छठे में, छठा भाव भी खराब भाव है, लेकिन ऐसे ग्रहों के लिए, दुष्ट ग्रहों के लिए छठा छः आठ बारह अच्छा है। तो तुला राशि के लिए भी छठे भाव से अब तक पांचवें भाव बैठे हुए थे, तो जो भी फल मिल रहा था अब छठे में जब आ गए तो बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। नई नौकरी, नौकरी में मान सम्मान, नया वेतन मान, रोग ऋण से मुक्ति, शत्रुओं से छुट्टी मिल जाएगी, बैंक से ऋण आसानी से मिल जाएगा, विदेश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश से भी लाभ मिल जाएगा, विदेश यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए छठे में से अष्टम में भी दृष्टि पड़ेगी तीसरी वाली, तो अष्टम से फिर देखिए अचानक धन की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, अचानक शेयर मार्केट से, अचानक गुप्त विद्याओं से, जो कि आप तंत्र मंत्रों से आप ऐसा काम करते हैं जो लोग, उनको लाभ मिल जाएगा। और आठवें से बारहवें में दृष्टि पड़ेगी, छठे में बैठेंगे बारहवा, देखिए सारे भाव छः आठ बारह तीन तुला राशि के लिए छः में बैठेंगे, आठ पे दृष्टि पड़ेगी, बारह पे दृष्टि पड़ेगी, तीन पे दृष्टि पड़ेगी, तो सारे ही निगेटिव आने, बारह पे दृष्टि पड़ेगी तो विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा होंगी वो धनकारी होंगी, लाभकारी होंगी। और तीसरे पे दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा पराक्रम करोगे, परिश्रम बहुत मेहनत करोगे, बड़ी भागदौड़, छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि तो शनि की प्रिय राशि है, सारे भाव में देखिए छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में, तीसरे भाव, चारों भाव बड़े निगेटिव वाले हैं, इसे शनि महाराज तुला राशि को भी अच्छा लाभ देंगे। जो अब तक नहीं मिल रहा था वो अब मिलेगा, अब सब होगा, सारा कुछ मिलेगा, यानी आपको बाहर से, विदेश से, यहाँ नौकरी से, काम मेहनत से, सब कुछ मिलेगा। तो तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा है भाई। तो ये दो राशि मैंने अभी बताई बहुत अच्छी है, अब देखिए तीसरी राशि भी मैं बहुत अच्छी बताऊंगा। तीसरी राशि देखिए मीन राशि है, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति गुरुदेव है। अब तो गुरुदेव बारहवें भाव में थे जब निष्काल पुरुष की कुंडली में, अब आ गए देखिए शनि चेंज हो गए, अब मीन राशि में आ गए। पहले थे यहाँ पर राहु थे पहले, अब राहु भी रहेंगे, लेकिन राहु रहेंगे देखिए मई तक, मार्च से मई तक राहु का साथ भी रहेगा और शनि का, फिर राहु कुंभ में आ जाएंगे। तो अभी तो दोनों शनि राहु दोनों मिलकर के, दोनों ही दुष्ट ग्रह हैं और दोनों ही राक्षस ग्रह हैं, बल्कि राहु तो जो है सेनापति है, शनि एक तरह से न्यायाधीश है। तो आप समझ लीजिए मीन राशि वालों के लिए लग्न में बैठेंगे बारहवीं बार, लग्न में बैठ करके शरीर अच्छा रखेंगे, एक्टिविटी बड़ी रहेगी, और तीसरे पे सातवें पे और दसवें पे दृष्टि पड़ेगी। तो तीसरा भाव फिर शनि का भी कारक भाव है, यहाँ बैठ कर परिश्रम तो कराएंगे, बहुत अच्छा पैसा भी आएगा, मेहनत में करेंगे, भाई बहनों से लाभ होगा, यात्रा करेंगे उनसे लाभ होगा, और जितनी मेहनत करोगे उतने शनि खुश होंगे, उतने पैसा आएगा। और सातवां फिर व्यापार में तरक्की होगी, सातवें से दाम्पत्य जीवन में ठीक रहेगा, और दसवें भाव से जॉब, जॉब में नया जॉब, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके बॉस खुश, आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी खुश। तो देखिए सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि, ये तीन राशियां मैंने बताई जिनके लिए काफी कुछ अच्छा हो रहा है। अब देखिए बताता हूँ मैं मेष राशि, देखिए मेष राशि के लिए थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अब तक तो लाभ भाव में थे, तो लाभ भाव से लाभ दे रहे थे, बराबर लाभ का वादा धन होता है, लेकिन अब देखिए मेष राशि में सारे साथी चालू हो गई। तो अगर आपके शनि आपकी बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं तो हो सकता है सारे साथी अच्छी हो, या आपके देखिए हो सकता है आपके मार दशा, अंतर दशा चल रही हो,
अश्विनी कुंडली में अच्छे हो, अच्छे भाव में हो, अच्छे अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो भाई अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो तो हो सकता है कि मेष राशि को लाभ मिले। अन्यथा साढ़े साथी की सु है तो थोड़ा कष्ट मिल सकता है, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है, क्योंकि मेष राशि के देखिए बारहवें भाव में, बारहवें भाव खर्चे का भाव होता है, कुंभ राशि है सॉरी मीन राशि है, और मीन राशि में राहु भी है और शनि भी है, विदेश भाव पर राशि होती है, ये तो विदेश जाना होगा तो खर्चा होगा, विदेश कोई काम चल रहा है तो खर्चा होगा, और देखिए बीमारियां आ सकती हैं थोड़ी बहुत, बीमारी में खर्चा हो सकता है, इसका ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अपना नियम दवाइयों का ध्यान रखिए, बीमारी आपको देखिए अगले ढाई साल में तंग करेगी तो आपको खर्चा होगा, और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, नेगेटिविटी मतलब बारहवें भाव से धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्चे खर्चा होगा भाई, और छठे पे पड़ेगी नवे पड़ेगी, छठे पे दृष्टि पड़ रही वो तो अच्छा लाभ देगी, क्यों वो निगेटिव हाउस है, वहाँ नौकरी खोज में थे अगर तो नौकरी मिल जाएगी, कहीं आप अपना ट्रांसफर चाहते थे कराना ट्रांसफर हो जाएगा, वेतन वृद्धि हो जाएगी, नया काम मिल जाएगा, और नाइन्थ हाउस पर भाग्य वर्धन भी हो जाएगा, भाग्य बढ़ेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेष राशि को थोड़ा देखिए साढ़े सती का स्टार्ट होना, बारहवें में बैठना, खर्चा, बीमारी का यानी मिला जुला फल है, क्योंकि छठे में और नवे से लाभ मिल रहा है और धन का खर्चा भी हो रहा है, बीमारी भी आ रही है, तो नेट गेन ना नेट नुकसान नेट फायदा, यानी यहाँ मध्यम रहेगा, ना लाभ ना हानि, और हो सकता है कि हानि ज्यादा हो लाभ कम हो। तो मैं समझता हूँ मेष राशि के लिए लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं अगले बहुत दसियों साल मेष राशि के अच्छे, लेकिन मैं समझता हूँ शनि की ये ढाई साल 2025 से 2027 तक मेष राशि को बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, जो अभी दिया था अभी तो गोल्डन पीरियड बताया गया, अब जो है थोड़ा सा साढ़े साथी में देखिए 30 साल पहले देखिए आप 30 साल पहले साढ़े साथी आई थी, तो साढ़े साथी में आपका ये 30 साल पहले क्या हाल था, अगर 30 साल पहले अच्छा हाल रहा जिस जिसकी कुंडली में वो डिपेंड करता है शनि कहाँ बैठे हैं, तो उनको अब फिर 30 साल बाद अच्छे हाल रहेगा, और अब देख लिए 30 साल पहले आपके क्या कर रहे थे, क्या मिल रहा था आपको, निगेटिव था पॉजिटिव था, उस हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि साइकिल चेंज होती है 30 साल बाद, ढाई ढाई साल में शनि जगह बदलते हैं, तो अब वहीं आ गए जहाँ 30 साल पहले थे, तो आप देखिए 30 साल पहले क्या हाल था उसके, भाई 30 साल पहले मेरा तो बड़ा अच्छा हाल था, मेरे तो 7.5 साल अच्छे गुजरे, तो ये आप देख लीजिए आपके 30 साल पहले क्या हाल था, आपके जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, अदरवाइज तो थोड़ा सा तंगी तो आएगी आएगी। और देखिए मेष राशि की बात, अब कर्क राशि की बात करता हूँ मैं, देख कर्क राशि पर ढैया चल रही थी वो खत्म हो गई, और कर्क राशि के नवे भाव में बैठेंगे शनि, नवे भाव में बैठकर भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन हो गया तो भाई लाभ हो गया, क्योंकि भाग्य बढ़ने से तो अनायास ही बिना परिश्रम के ही बिना ज्यादा मेहनत के ही आपने अच्छा खासा लाभ पा लिया, धन पा लिया, नौकरी में तरक्की पा ली, और देखिए नवे में बैठ कर 11वें को देख रहे हैं, बैठे भाग्य भाव में और लाभ भाव को देख रहे हैं, लोग कहते हैं शनि की दृष्टियां खराब होती हैं, पर मैं कहता हूँ शनि की दृष्टियां खराब होती हैं अगर खराब फल दे रहे हो बैठ करके, लेकिन खराब जब नहीं फल दे रहे अच्छा फल दे रहे हैं तो दृष्टियां क्यों खराब हो जाएंगी, इसलिए मैं तो कहता हूँ दृष्टि से भी अच्छे फल मिलेगा जब भाग्य में बैठे हुए हैं अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर लाभ में बुरा फल क्यों देगा, भाग्य अच्छा कर रहे थे तो अच्छे फल देंगे ना, इसलिए लाभ भाव से भी धनी आएगा, और तीसरे भाव में दृष्टि पड़ेगी, तीसरा भाव शनि का कारक भाव है, यहाँ बैठ कर के परिश्रम तो कराएंगे पर जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, परिश्रम तो आप करेंगे क्योंकि आप देखिए शनि जी मेहनत कराते हैं आपसे, अपना भी करेंगे परिश्रम, और छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, देखिए वही भाव आता है रोग होने से मुक्ति मिलेगी, शत्रु घनता बीमारी कम हो जाएंगी, बैंक से ऋण मिल जाएगा, नई नौकरी नया सब, तो कर्क राशि के लिए मैं समझता हूँ भाग्य भाव में बैठ करके 11वें और तीसरा और छठे पर दृष्टि और ढैया खत्म,
तो कर्क राशि के लिए ये जो आगे 2.5 साल का टाइम आ रहा है अच्छा है, धन का लाभ होगा, भाग्य चेतेगा, अच्छे कार्य होंगे, नौकरी में तरक्की होगी, भाई बहुत बढ़िया। अब बैठ के कुंभ राशि के लिए बताऊंगा। कुंभ राशि तो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि की अपनी राशि है, तो शनि अपनी राशि में आप देखिए कुंभ राशि के लिए 11वीं राशि है, तो 12वीं राशि में दूसरे भाव में आ गए। धन भाव के शनि, भाई धन नहीं देंगे तो क्या देंगे अपनी राशि को, अपनी राशि को धन देंगे देंगे ना, तो कुंभ राशि को तो माला माल कर देंगे। और चौथे पे 8वें पे 11वें दृष्टि पड़ेगी, तो चौथा सुख का भाव, सुख साधन की वृद्धि करा देंगे, भूमि भवन बंगला गाड़ी दिला देंगे, गाड़ी लेना चाहते हो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मकान फ्लैट जो चाहते हो मिल जाएगा। और अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी तो अष्टम से फिर अचानक धन का प्राप्ति कराएंगे, धन भाव पर बैठे हैं, धन आएगा, अचानक धन भी आएगा, पैतृक संपत्ति आएगी और कहीं से भी अचानक सा धन आ जाएगा। और ज्ञान भाव में देखिए दृष्टि पड़ रही है तो लाभ भाव से लाभ ही लाभ धनी धन। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि थी, बहुत अच्छी राशि थी, यहाँ शनि इस राशि को भी, हालांकि कुंभ राशि में देखिए 7.5 चल रही है वो ठीक है, लेकिन कुंभ राशि है तो शनि की अपनी, अगर मेहनत करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, परिश्रम करोगे, लोगों को परेशान नहीं करोगे, तो कुंभ राशि में 7.5 होते हुए भी लाभ मिलेगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि है तो अब कुंभ राशि में 7.5 का लास्ट चरण आ चुका है, इसलिए लास्ट चरण में तो वैसे लाभ मिलता है, तो कुंभ राशि को भी डरने की जरूरत नहीं, अच्छा फल मिलेगा, अभी तक जहाँ था उससे अच्छा मिलेगा। और देखिए अगली राशि बताऊं मैं मकर, भाई मकर राशि पर भी 7.5 ही खत्म हो जाएगी, कि मकर राशि का 3रा चरण चल रही थे, तो अब तक जो कुछ भी था मैं तो समझता हूँ आखिरी चरण में अच्छा लाभ मिला होगा, क्यों जाते जाते शनि अपनी राशि है मकर राशि, भाई मेरी मेष राशि पर जाते जाते पिछली बार बहुत अच्छा कुछ दे गए थे, बहुत बढ़िया पैसा दे गए थे, बहुत सब सुख दे गए थे, राहु भी साथ थे दोनों, अब की भी राहु और शनि साथ हैं उस तरह की, तो मैं तो समझता हूँ कि शनि जो है मकर राशि को जाते जाते उतर गई 7.5, तो माला माल करके जाएंगे, धन देके जाएंगे। और मकर राशि के लिए भाई अच्छा, क्यों मकर राशि 10 नंबर की राशि है, शनि की अपनी राशि है, और 10 राशि के 10 नंबर की राशि के लिए 11, 12, 12वीं राशि तीसरे भाव में आ गई, तीसरा भाव शनि का कारक भाव है, यहाँ बैठ करके शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं, परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, भाई बहनों से लाभ मिलता है, दोस्तों से लाभ मिलता है, समाज परिवार में प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है, यात्राओं से लाभ मिलता है, तो तीसरा भाव शनि का कारक भाव है, तो शनि मकर राशि के लिए तीसरे भाव में बैठ गए। और देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो मकर राशि वालों के संतान को भी लाभ मिलेगा 4, 5, 6, 7, और नवम भाव को यानी भाग्य भाव को देखेंगे तो संतान को लाभ, संतान से नवम पंचम नवी दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि तीसरी दृष्टि पड़ी संतान पर, सातवीं पड़ी भाग्य पर, 8, 9, 10 और 10वीं पड़ी विदेश भाव पर। तो भाई मकर राशि के लिए विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश नौकरी से लाभ, विदेश जाओगे तो लाभ, भाग्य बढ़ रहा है तो लाभ, भाग्य बढ़ने से अनायासी नौकरी, अनायासी काम, बिना मेहनत के सफलता। तो मकर राशि वालों को भी मैं शनि की राशि है भाई बड़ा लाभ मिल रहा है। और देखिए मकर राशि के बाद में आप चलता हूँ देखिए वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए ढैया खत्म हो गई, वृश्चिक राशि पर ढैया थी, और वृश्चिक राशि के 5वें भाव में शनि बैठे हैं, 5वां भाव संतान का है, तो संतान की तरक्की, संतान को लाभ, संतान को पढ़ाई लिखाई में सफलता, संतान को जॉब में सफलता, संतान को हर तरह से सफलता मिलेगी, क्यों वृश्चिक राशि के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, और 7वें में और 11वें में दूसरे महीने शुरू रहेगी, तो 7वां भाव दंपत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन अच्छा, 7वां भाव पार्टनर्स का, व्यापार का अच्छा, व्यापार से तरक्की होगी, और 11वां भाव लाभ का भाव, दूसरा भाव धन का भाव, तो लाभ के द्वारा धन आएगा ना, लाभ पर भी दृष्टि पड़ रही है, धन पर भी दृष्टि पड़ रही है,
लाभ होने का मतलब ही धन का आना, तो लाभ होगा बहुत से सोर्सों से लाभ होगा धन आएगा। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि के लिए, अब अगर अब तक खराब चल रहा था तो अब देखिए ढैया उतर गई, अब तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि भी बल्ले बल्ले हो रही है, हालांकि मंगल की राशि है लेकिन वृश्चिक राशि के अब पांचवें भाव में आ गए। अच्छा, तो वृश्चिक राशि को भी अच्छा है भाई। अब धनु राशि के लिए देखिए बताऊं, धनु राशि के लिए बृहस्पति की राशि है, इसलिए 9 नंबर की राशि है, बृहस्पति की राशि है 9, 10, 11, 12। बारहवीं राशि जो बृहस्पति की राशि है मीन, उसमें शनि बैठे हैं चौथे भाव में और धनु राशि पर ढैया शुरू हो गई है। बृहस्पति के बारहवें भाव में बैठे हुए राहु, और देखिए ये जो राहु भी है और शनि भी है, सुख भाव में राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, भूमि भवन मकान जमीन जायदाद दिलाएंगे। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं बारहवें में, तो धनु राशि के लिए भी सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। 1, 2, 3 छठे भाव से जो है, देखिए छठे भाव में बृहस्पति ही बैठे हुए हैं, वृषभ राशि है तो बृहस्पति प्रदर्शित बन रही है, बृहस्पति के घर से भाई लाभ ही लाभ है। मतलब धनु राशि को तो अच्छा पैसा मिल रहा है, नौकरी में तरक्की मिल रही है, नई नौकरी, नया अगर जगह ट्रांसफर चाहते हैं ट्रांसफर, सब कुछ बढ़िया है छठे भाव से, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है 4, 5, 6, 7 और दसवें भाव से जॉब के क्षेत्र में, तो जॉब में भी अच्छा है। मैं शनि को ये नहीं मानता, आप कहेंगे दृष्टियाँ खराब पड़ रही हैं, इस समय अगर अच्छे भाव में है शनि तो भाई दृष्टि खराब नहीं हो सकती है। बहुत से पंडितों के अपने अपने विचार है, अगर आप भ्रष्ट आचरण करेंगे, बेईमानी करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो खराब होगा, क्योंकि शनि मित्र हैं, शनि शत्रु नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ शनि हर आदमी के मित्र हैं, बशर्ते आदमी ईमानदार हो, भ्रष्ट आचरण हो। तो अब देखिए यहाँ से दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव पर तो अच्छा रहेगा, और 8, 9, 10 लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो शरीर अच्छा, बीमारियां नहीं, और हिस्से पुष्ट एक्टिविटी बढ़िया, शरीर छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं आएंगी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ धनु राशि के लिए भी काफी कुछ अच्छा हो रहा है भाई। और अब और कौन सी राशि देखी आती है धनु राशि के बाद, अभी देखिए वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि का मतलब देखिए वृषभ राशि नंबर दो राशि के लिए शनि बैठ गए कहाँ पर, कौन से बारहवें भाव में, तो 2, 1, 12 राशि, मतलब मीन राशि ग्यारहवें भाव में आ गई, 2, 1, 12 मीन राशि, हाँ मीन राशि ग्यारहवें भाव में आ गई। ग्यारहवें भाव लाभ का भाव है, तो लाभ का भाव है, लाभ भाव में वृषभ राशि अपनी शुक्र की राशि है, शुक्र गुरु है राहु के भी शनि के भी, तो उनकी राशि को बोला शुक्र की राशि को राहु शनि की क्या हिम्मत है जो कि नुकसान कर ले। तो वृषभ राशि वालों चिंता मत करो, शनि भी और राहु भी आपको लाभ भाव में बैठ करके धनाधन लाभ ही लाभ यानी पैसा ही पैसा दिलाएंगे। और 1, 2, 3 आपके शरीर पर दृष्टि पड़ेगी तो आपको शरीर भी हृष्ट पुष्ट कराएंगे, शरीर भी आपका कांतिमान रहेगा, शुक्र की राशि है, सुंदर शरीर, बड़ा मनमोहक शरीर, 4, 5, 6, 7 पंचम पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके मनोरथ पूरे होंगे वृषभ राशि वालों, संतान को लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी। 8, 9, 10 अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से धन आएगा, पैतृक संपत्ति आएगी, शेयर मार्केट से धन आएगा, शेयर मार्केट उसके अलावा फिर कहीं से भी आपको तंत्र मंत्र का काम करते हैं तो वहां से भी लाभ मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ भाई वृषभ राशि के लिए ग्यारहवें भाव से भी लाभ ही लाभ मिल रहा है, तो कितनी राशियां होगी जिनको लाभ। अब आखिरी राशि बचती है, देखिए दो राशियां, दोनों बुद्ध की राशियां, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो देखिए मिथुन राशि जो है नंबर 3 राशि है, तो मिथुन राशि के लिए दसवें भाव में जो है
बारहवीं राशि आ गई। दसवां भाव मिथुन राशि के लिए दसवां भाव जॉब का भाव है। जॉब का भाव यानी कार्य क्षेत्र में, नौकरी में तरक्की। तो मिथुन राशि के लिए भाई बारहवीं राशि दसवें भाव में आ गई मिथुन मीन राशि, तो और एक दो तीस तीसरी दृष्टि पड़ेगी दसवें भाव से। देखिए बारहवें भाव में तो विदेश भाव में, विदेश से लाभ मिलेगा। बुध की राशि है और देखिए बुध की राशि है और शनि और राहु दोनों ही बुध के मित्र हैं, तो क्यों नहीं बुध की राशि को लाभ देंगे। तो दसवें भाव से देखिए नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, जॉब में तरक्की और कार्य क्षेत्र में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। और विदेश भाव पर है तो बाहर जा सकते हैं, बाहर से लाभ मिलेगा। मतलब वहाँ एक दो तीन दृष्टि और चार पाँच छः सात और सम्मुख चौथे भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो चौथा भाव सुख का भाव है, तो सुख साधनों की कमी नहीं होगी। जो सुख साधन है वो सब सब मुहैया हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए सात के बाद फिर आठ नौ दस, दसवीं दृष्टि पड़ेगी वो धनु राशि पर सातवें भाव में। तो व्यापार में लाभ, व्यापार में मित्रों का सहयोग, पार्टनर्स का सहयोग, दाम पर जीवन अच्छा। और देखिए आपके जो व्यापार में पार्टनर्स हैं अच्छा सहयोग दिलाएंगे तो धन की अच्छी प्राप्ति होगी। तो मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए भी, क्यों मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध राहु के और शनि के मित्र हैं, इसलिए इसको भी अच्छा लाभ मिल रहा है, धन मिल रहा है, सुख मिल रहा है, जॉब में तरक्की मिल रही है, व्यापार में तरक्की मिल रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, सुख साधनों की कमी नहीं हो रही है। और देखिए अब देखिए आखिरी राशि बचती है, वो भी बुध की राशि है, कौन सी? छठी राशि। छठी राशि का मतलब कन्या राशि। तो भाई कन्या राशि के लिए आप देखिए बारहवीं राशि जो है बारहवीं राशि जो आ गई सातवें भाव में आ गई। तो सातवां भाव का मतलब दाम्पत्य जीवन का, सातवां भाव मतलब बुध की राशि है। देखिए ये भी तो शुक्र और राहु दोनों ही इसको भी फेवर करेंगे, बुध की राशि को भी। यानी सातवें भाव से जो है दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, सातवें भाव से व्यापार में तरक्की मिलेगी, कोई पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। तो कन्या राशि को भी जो है, और यहाँ से देखिए एक दो तीन तीसरी राशि जो पड़ेगी वो नवे भाव पड़ेगी। नवा भाव भाग्य का भाव, भाग्य की तरक्की होगी तो भी अनायासी। और देखिए भाग में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और शनि की और राहु की दृष्टि पड़ रही है, और गजब का भाग्य आगे बढ़ेगा। भाग्य बढ़ा, आसमान को छुआ, तो भाई कन्या राशि की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और चार पाँच सात लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बीमारी गायब हो जाएंगी। कोई टेम्पररी बीमारी खाने पीने से ऐसी आ जाए वो अलग बात है, पर लंबी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और आठ नौ दस और सुख भाव से गाड़ी बंगला जमीन जायदाद जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि का भी ये अगला ढाई साल जो है और राशियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्यों? बुध की राशि है और बुध की देखिए राहु और शनि दोनों फेवर करेंगे। तो मित्रों इस तरह मैंने देखा पहली राशि से बारह राशि की चर्चा की मैंने, यानी कुछ राशियों को बहुत कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ राशियों को कम मिल रहा है, कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा, कुछ राशियों को कम। पर अगले ढाई साल यानी 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक कुछ राशियों के बहुत ही अच्छे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए 30 साल पहले आपके क्या हाल था, 30 साल पहले जो लाभ मिला था उसी हिसाब से आपको मान लीजिए। और आपकी बहुतों की साढ़े साथी भी होगी, बहुतों की देखिए माँ दशा भी होगी। तो और अगर आपके शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो गारंटी से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में अच्छे नहीं है भाई तो फिर नुकसान भी हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, कष्ट हो सकता है। तो मित्रों अभी मैं देखिए सभी बारह राशि की चर्चा कर चुका हूँ, अब मैं देखिए विराम लूंगा। आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों नमस्कार।